अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज फिर लेकर आया हूँ एक और वीडियो जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉपीराइट क्लेम के मतलब है। क्योंकि कॉपीराइट क्लेम से लोग घबरा जाते हैं और वीडियो को डिलीट कर देते हैं, तो आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम से घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी वीडियो को कभी भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट मत कीजिएगा अपनी वीडियो को, आप लोग अपनी वीडियो को वहीं अपनी वीडियो को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं अपने चैनल के अंदर। वो आपको व्यूज़ भी देंगी, आपको वॉच टाइम भी देंगी और आपको सब्सक्राइब भी देंगी, ठीक है। तो अभी चलो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। हम अपने पहले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारा जो चैनल है वहाँ पर पहले से मेरा चैनल ऑन है। अगर आपका चैनल यहाँ पर ऑन नहीं है, साइन इन नहीं है, तो अपने चैनल को साइन इन कर लें और YouTube स्टूडियो को प्रेस करने के बाद वीडियो पर क्लिक करें तो आपकी वीडियोस यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अभी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए ट्राई के लिए यहाँ पर डाली थी, मुझे वहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आया है, तो आप लोगों को जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मुझे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो देखिए कॉपीराइट क्लेम है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखते हैं फिर सी डिटेल बोल रहा है, तो सी डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। सी डिटेल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे मेरा ये पेज ओपन हो गया है, ये देखें ये वाला पेज आपका भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये पेज ओपन होगा तो आपने देखना है कि ये सिलेक्ट एक्शन लिखा हुआ है, ये देखें सेलेक्ट एक्शन को आप जैसे ही उसको टच करेंगे तो आपको टाइम वीडियो टाइम करने का कह रहा है, रिप्लेस सॉन्ग का कह रहा है और मूड का कह रहा है। वीडियो डिलीट करने का बिल्कुल कहीं भी नहीं कह रहा कि आप अपनी वीडियो को डिलीट कर दें। तो आपने करना क्या है, जो आपका दिल करता है आपने सॉन्ग और लगाना है लगा सकते हैं, आपने वीडियो को टाइम करना है कर सकते हैं, वीडियो को मूड कर सकते हैं। अपनी वीडियो को ज़ाया नहीं करना, अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना आपने, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो को टाइम करके दिखा देता हूँ। तो टाइम पर क्लिक करते हैं, मैंने वीडियो को टाइम करने के लिए अभी स्टार्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बटन है, वो आप लोगों को बता देगा कि आपकी वीडियो टाइम करने के बाद कितनी बचेगी। तो मैंने उस बटन को ऑन किया, अभी थोड़ी ही देर में वो बोल रहा है कि 30 सेकंड लगेंगे, मुझे बताएंगे कि आपकी वीडियो टाइम कट करने के बाद कितनी बचेगी। तो चलिए देखते हैं कि मेरी वीडियो बाकी कितनी बचती है टाइम करने के बाद। प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। तो देखिए उन्होंने बताया है कि मेरी वीडियो टाइम करने के बाद बचेगी 2 मिनट 8 सेकंड बचेगी, ठीक है। वीडियो थी 3 मिनट कोई 24 सेकंड की थी, तो 1 मिनट जो है उस पर क्लेम आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब क्लेम था, तो उसे मैंने हटाने के लिए अभी ये इसे हम टाइम करेंगे। टाइम करने के लिए टाइम को मैंने सेलेक्ट किया और अभी कंटिन्यू पर मारेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये कंटिन्यू मैंने प्रेस कर दिया। अभी वो बोल रहा है कि टाइम, तो फिर टाइम मैंने करना है, टाइम सेलेक्ट किया है मैंने। अभी मेरी वीडियो जो है प्रोसेस टाइम हो रही है, तो ये अभी बहुत सारा टाइम लेगी, 15 मिनट 20 मिनट ले सकती है। तो आप लोगों ने भी भाइयों ऐसे ही अपनी टाइम करना है अपनी वीडियो को, वीडियो को बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना मेरे भाइयों, आप लोगों का नुकसान होगा, आपकी मेहनत चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।